हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। इट्स मिस्टर एंड मिसेस किचन और मैं हूं प्रभा। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन आलू की बिरयानी, जो बनने वाली है बहुत झटपट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये छोटा सा बेल आइकॉन है, उसे भी हिट कीजिए ताकि मेरी आगे की हर एक नई रेसिपीज की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, जो कि फ्री है। हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 कप पुदीना, पुदीने के पत्ते से मैंने जस्ट हाथ से कट कर दिया है अच्छे से धो के, और ये हमारा स्वाद अनुसार नमक। और हमें चाहिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/3 कप दही, घर पे जमा हुआ दही, और 2 से 3 टेबलस्पून घी, जो हमें लेयरिंग के टाइम चाहिए। और ये है कुक्ड जिंजर गार्लिक टमाटो पेस्ट, ये है 1 तेज पत्ता, ये है 1 टीस्पून शाही जीरा, ये स्वाद अनुसार नमक, ये है कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला सब 1 टीस्पून। ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को अच्छे से स्लाइस करके कट कर लिया है। और ये है हमारा 3 आलू जो है मीडियम साइज, और ये 1/4 कप पुदीना, वो भी लेयरिंग के टाइम हमें जरूरत पड़ेगी। ये सोयाबीन को हमने ऑलरेडी गर्म पानी में 5 मिनट के लिए नमक पानी में भिगो के रखा था, उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे हम अपना सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब हम ऐड कर रहे हैं दही के साथ। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा सारा मसाला सोयाबीन में कोट हो जाए, और इसे हम अभी 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे आप चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी जैसे बनाते हैं वही है, पर हमने इसमें ऑलरेडी मसाला जो है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, वो कुक कर लिया है, तो ये बिरयानी हमें बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। अभी हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे, और इसमें मैंने आलू को क्या किया है, एक फोक के मदद से उसके सब इसमें होल्स कर दिए हैं, और अब हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक। इसे आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि तेल छिटक सकता है, तो ध्यान से इसे कवर कर लीजिए। तब तक हम हमारा राइस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप राइस लिया है, इसे मैंने सारे खड़े मसाले और नमक डाल के उसे हम 80% तक कुक कर लेंगे। ये हमने पानी ड्रेन करके निकाल लिया है राइस को। अभी हमने जो तेल में आलू डाल के फ्राई किए थे उसमें हम डालेंगे शाही जीरा, 1 तेज पत्ता, और इसमें हम डालेंगे हमारे स्लाइस्ड अनियंस। आप देख रहे हैं मैं इसमें कोई भी खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी हमने राइस में यूज़ किया है, और मैरिनेशन में भी हमने गरम मसाला डाला है, और लेयरिंग में भी हम वही करने वाले हैं, तो इसमें खड़े मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने डाला थोड़ा सा नमक ताकि हमारी प्याज जल्दी कुक हो जाए। इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। ब्राउन हो जाएगी तो फिर हमारी बिरयानी कड़वी बन जाएगी, इस बात की ध्यान रखिएगा। तो अभी हम डाल देंगे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ गरम मसाला को छोड़ के, जिसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। ये हमारा हो चुका है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं
जिंजर गार्लिक टमाटो पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी कुक करके रखा था। मैं हमेशा ऐसे जिंजर गार्लिक टमाटो और ओनियन का पेस्ट बना के कुक करके इसको अच्छे से रख लेती हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में। क्या होता है, जब भी आपको कोई भी करी या फिर ऐसे कोई सब्जी बनाने की जल्दी हो तो वो झटपट बन जाती है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला हमारा मैरिनेटेड सोया चंक, सोयाबीन और आलू। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ये येलो कलर है क्योंकि मैंने जिसमें ही मैरिनेशन किया था हमारे सोयाबीन को उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारा आलू अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि ये बॉइल्ड आलू नहीं है, ये लाइट ब्राउन होने तक हमने कुक किया था तेल में, तो ये पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, तब तक हमारा सोयाबीन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए हमने ढक के उसे कुक कर लिया था। आप अगर खड़े मसाले सब्जी में डाल रहे हैं तो आप निकाल दीजिएगा, मैंने तेज पत्ते ही डाले थे तो मैंने उसे निकाल दिया है, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने के टाइम। अभी हम लेयरिंग करेंगे। ये एक छोटे से बर्तन में मैंने घी ग्रीस कर लिया है, इसमें पहले हम लेयर करेंगे सब्जी का, फिर उसके ऊपर मैंने राइस डाला है, प्लेन राइस, और उसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाले, पुदीने के पत्ते और केसर वाला दूध, या फिर आप ऑरेंज फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस सेम लेयरिंग जैसे हम लोग चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी जैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही है। तो ये देखिए आलू मैंने ऐसे रख लिया है, मतलब सब्जी में ही डाला था, बस वही सेम लेयरिंग का प्रोसेस हम इसमें रिपीट करेंगे। इसमें बस मैंने दो ही लेयर बनाया है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी बना के बड़े बर्तन में भी लेयरिंग कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में आप चाहे तो केवड़ा एसेंस 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन का खुद का कोई टेस्ट नहीं रहता है, जस्ट फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। और मैंने ऊपर लास्ट में घी का भी लेयर डाला था। अभी हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हमारा देखिए रेडी हो चुका है, अभी हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा राइस आप देखिएगा कितना खिला खिला हुआ है, एक एक दाना अलग अलग है। ये जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, सोयाबीन। और अगर वही चीज हम थोड़ा टेस्टी और यमी बना ले झटपट, वो भी वन पॉट मील हो जाती है, सोयाबीन और आलू की बिरयानी, तो बहुत यमी लगती है। या आप रायता के साथ खा सकते हैं, या फिर खाली ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ड्राई भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम में इमेजेस के साथ टैग करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, ट्राई करें।